नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए आज हम आपको दिखाते हैं मांडा प्रयागराज की खास खबर। मामला विकास खंड मांडा अंतर्गत ग्राम सभा हंडिया का है, जहां पर हबीब नगर नकटी में रास्ते की हालत बद से बदतर देखने को मिली। वहीं पर ग्रामीणों से बात किया तो पता चला कि पानी के निकास की कोई व्यवस्था ना होने के कारण पर पूरे गाँव का पानी बहता है, जिससे आने जाने वालों को हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आए दिन यहाँ पर बच्चे, बूढ़े व महिलाएं दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव के निवासी नाली बनाने के लिए रास्ता तो दे रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान नाली बनवाना नहीं चाहते, जबकि ग्राम वासियों का पूरा पानी सड़कों पर बहता रहता है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान है, जबकि इसकी शिकायत वीडियो मांडा को दी गई। इस व्यवस्था को देखते हुए पत्रकारों ने ग्राम प्रधान श्रीकांत दुबे से बात करना चाहा तो वे मौके पर नहीं मिले। आइए देखते हैं वीडियो क्लिप को और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जी, क्या नाम बताया आपने? अयूब। अयूब भाई, आप भी हबीब नगर निवासी हैं, नक्की के। आप क्या बताए, क्या वजह है? मतलब यहाँ प्रधान देख लीजिए ना, प्रधान आता देखता अपना बनवा लेता, हम लोग क्या करेंगे, इसको मना करेंगे? सोलह नर्दे बातें हैं, पानी तो आप ही लोग बाहर आए, सोलह नर्दे बातें हैं ना, तो उसमें आपका भी है? हमारा भी है, उसमें आपका भी है, हमारा भी है। तो आखिर पानी बहाव जो हो रहा है रोड पे आ रहा है, रोड पे इतनी गंदगी हो जा रही है, नाली का कोई सुविधा नहीं है, तो आप प्रधान को आना चाहिए ना। तो प्रधान बस गए थे आप? प्रधान से बात हुआ, प्रधान का रास्ता रहिए क्या करिए, क्यों रास्ता आप लोग नहीं दे रहे उसको? बिल्कुल मिला के आप लोग का आपसी विवाद होने की वजह से, आप लोग का आपसी विवाद होने की वजह से प्रधान नाला नहीं बनवा पा रहे, यानी मजबूरी प्रधान की मिली? सारी गलती प्रधान की है। गलती प्रधान की है, मजबूरी नहीं है? गलती है, प्रधान चाहता तो बन जाता, प्रधान चाहता तो बन जाता। जगह आप लोग देने को तैयार हैं? तैयार है, आज भी तैयार है। आखिर क्यों रुका हुआ है? पूछिए प्रधान से। जी, क्या नाम आपका? वकील अहमद। वकील अहमद जी, सर अभी बड़े भाई बता रहे थे यहाँ पर नाले की जो समस्या दिख रही है, प्रधान का पूरा समस्या बता रहे हैं, प्रधान द्वारा ये नहीं कराया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें सर, खुद ही आवासन जावासन देखा था, खुद आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको लोग का रहना रात भी नहीं पर होता है, इसके लिए आपने क्या किया? क्या किया क्या प्रधान से कही हुआ और नहीं कर था तो क्या किया जाए? अच्छा, प्रधान को सूचना दी गई है? सारी गलत प्रधान का भाई बताओ, सारी गलत। मोहम्मद भाई, तो जैसा कि हमें बताया जा रहा है, नाली जो समस्या बनी हुई है, कोई समस्या जो भी समस्या बनी हुई है, समस्या का हल नहीं निकल पाया, तो वो लोग बोल रहे हैं प्रधान द्वारा ऐसा किया गया है, क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ, इसमें हम लोग सहमत हैं, सारी कमी प्रधान की है, प्रधान से व्यक्तिगत रूप से कहा गया, लिखित तो नहीं दिया गया लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहा गया, आए साफ कह रहे कि भाई क्या करें, जब जमीन नहीं जगह नहीं है, हम लोग जगह देंगे, तैयार है। तो जगह देने के लिए आप तैयार हो, फिर भी वो बोल रहे जगह नहीं है? हाँ, समस्या नहीं, हमसे नहीं हो सकता, कुल मिला को बनवाना नहीं चाहते, कुल मिला को बनवाना नहीं चाहते। क्या नाम आपका? सनाउआ अली। सनाउआ अली, तो आप भी यंग निवासी हैं? जी। तो यानी मोहम्मद भाई की बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं। कुल कमी प्रधान की है? हाँ। सारा कमी प्रधान की है, प्रधान बनाना नहीं चाहता? नहीं। आप जगह दे रहे हैं? हाँ, जगह तो है नहीं, बगल से बनेगा। बता रहे हैं ना, बिल्कुल प्रधान बनवाना नहीं चाहता, आप लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं? ये देखिए सड़क पे पानी बह रहा है, ये देखिए पूरा सड़क को नाला बना दिया गया है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा लोगों ने बताया कि 16 नालियाँ बहती हैं, 16 घरों का पानी सड़क पे आता है, लेकिन प्रधान नाली बनवाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यहाँ की ग्रामीण जनता जगह भी देने के लिए तैयार है कि सड़क के किनारे नाली खुदवा के अंडरग्राउंड नाली बनवा दिया जाए, लेकिन प्रधान नाली बनवाने से कतरा रहे हैं। ये गाँव के ग्रामीणों का बयान है, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में अभी अभी देखा, ये देख सकते हैं आप। इस चैनल पर दिखाए जाने वाली सभी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।